खबर दिन भर, मैं हूं शेख जुई। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। अब राजस्थान में जानलेवा हो रही प्रचंड गर्मी, एक ही दिन में 10 जिलों में 22 मौत हो चुकी है। कोटा में पिछले 4 दिन में 14 मौत हुई, हालांकि सरकार ने अभी तक हीट वेव से हुई मौत की पुष्टि नहीं की है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा, राजस्थान सरकार के पेयजल मंत्री का बयान बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पानी की किल्लत से परेशान जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। एक मंत्री द्वारा ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता। बता दें, कन्हैयालाल चौधरी ने कहा था, मैं फूंक मारकर बालाजी बनकर पानी ला दूं, यह संभव नहीं है। मेरे पास जो पानी है वही तो उपलब्ध करवा पाऊंगा। झुंझुनू में लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज में होगी। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। मतगणना स्थल पर की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उप निर्वाचन अधिकारी SDM रामरतन ने मतगणना स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को मतगणना दिवस से पहले ही पीने के पानी, छाया, बैठने का स्थान, प्रवेश द्वार सहित अन्य व्यवस्थाओं करने के निर्देश दिए। टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर सोमिया झा हीट स्ट्रोक को लेकर चिकित्सा प्रबंधन का जायजा लेने अचानक सोमवार को जिला मुख्यालय के चिकित्सालय पहुंची। वहां की अव्यवस्थाओं पर अस्पताल के चिकित्सकों को फटकार लगाई, सभी व्यवस्थाएं नियमित करने के निर्देश दिए। चिकित्सालय में सभी AC, कूलर और पंखे खराब मिलने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चिकित्सालय के प्रभारी और PMO डॉक्टर BL मीणा को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सालय के अति आवश्यक सेवाओं में सुधार किया जाए। इस तेज गर्मी के चलते उनियारा के जवाईपुरा में छाई पानी की किल्लत, पेयजल सप्लाई नहीं होने से आमजन बहुत परेशान है। लोग पेयजल के लिए उनियारा जलदाय विभाग में लगे नल से पानी भरकर ला रहे, तब जाकर लोगों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इस तेज गर्मी में लोगों को इसके लिए 1 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों में पेयजल को लेकर तेज गुस्सा है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार के मंत्रियों को लेकर कहा कि अभी तक तो सभी मंत्री 00 लेकर घूम रहे हैं, अभी तक तो किसी मंत्री ने परफॉर्म ही नहीं किया, तो इन मंत्रियों की मार्किंग कैसे की जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग को वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि बुधवार को सुनवाई कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम CGI को भेज रहे हैं, वो निर्णय लेगा कब सुनवाई की जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA मामले में PFI प्रमुख ई अबू बकर को जमानत देने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के प्रमुख ई अबू बकर को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जमानत से इनकार किया। जस्टिस सुरेश कुमार और मनोज जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। झारखंड के दुमका में PM मोदी ने कहा, वो कह रहे हैं कि मोदी हिंदू मुस्लिम कर रहा है, इन्हें लगता है कि मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडिया गठबंधन वाले, कान खोल कर सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे लोग उतना कमल ज्यादा खिलाएंगे। सुनिए मोदी ने क्या कुछ कहा। मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है, इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडिया वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कुचड़ उछालोगे ना लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले, मोदी दलित आदिवासी और पिछड़ा आरक्षण की लोट कतई नहीं होने देगा, ये मोदी की गारंटी है। आज खबर दिनभर में इतना ही। दिनभर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू हूँ। शुक्रिया।